भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। इतनी बड़ी संख्या में कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज जब मैं यहां आ रहा था, किसी ने मुझसे पूछा, सर कहां जा रहे हो? मैंने कहा मध्य प्रदेश जा रहा हूं। कहते हैं वही जहां व्यापम घोटाला हुआ था, सोचो इन नेताओं ने, इन पार्टियों ने मध्य प्रदेश का क्या बदनाम कर दिया। मध्य प्रदेश के लोग मेहनती लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग ईमानदार लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग देशभक्त लोग हैं। लेकिन आप जब पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं वही राज्य जहां पे व्यापम घोटाला हुआ था। आपका क्या कसूर है? लोगों का क्या कसूर है? आपके नेताओं ने और आपकी पार्टियों ने आज पूरे देश के अंदर आपका नाम बदनाम कर दिया। एक टाइम दिल्ली का भी यही हाल था। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, पूरे देश में जब दिल्ली की चर्चा होती थी, कहते थे वो कॉमनवेल्थ घोटाले वाला दिल्ली, सीएनजी घोटाले वाला दिल्ली, 2G घोटाले वाला दिल्ली, दिल्ली घोटालों के नाम से जाना जाता था। आज जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पूरे देश में जब दिल्ली की चर्चा होती है, लोग क्या कहते हैं? दिल्ली जहां पे अच्छे अच्छे स्कूल हैं, दिल्ली जहां पे मोहल्ला क्लिनिक है, दिल्ली जहां पे बिजली मुफ्त है, दिल्ली जहां पे 24 घंटे बिजली आती है, दिल्ली जहां पे पानी शानदार है, आज दिल्ली अपने कामों की वजह से शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मेरे पास मध्य प्रदेश के कुछ लोग आए, बोले सर हमारे यहां बिजली बड़ी महंगी है। बिजली महंगी है या सस्ती है? आपको जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली में बिजली फ्री है, दिल्ली में बिजली मुफ्त है, बिजली का बिल नहीं आता, बिजली का बिल जीरो आता है, जीरो, जीरो मतलब जीरो, एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। एक साल से हमारी पंजाब में सरकार बनी है, पंजाब में भी अब बिजली का बिल जीरो आने लगा है, जीरो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ये देख रहा हूं, कई लोग बड़े चंबे से देख रहे हैं कि जीरो कैसे आ सकता है। दिल्ली में बिजली का बिल जीरो आता है, जीरो। पंजाब में बिजली का बिल जीरो आता है, जीरो, और 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे बिजली के पावर कट नहीं लगते। पहले दिल्ली में 8-8 घंटे पावर कट लगते थे, जब से दिल्ली में हमारी सरकार आई है 24 घंटे बिजली आती है, जीरो बिजली का बिल आता है। पंजाब में एक साल पहले तक 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, जब से हमारी सरकार आई है पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, जीरो बिजली का बिल आता है। मुझे पता चला है कि मध्य प्रदेश में भी 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं, और 200 यूनिट के मुझे बताया गया 2000 रुपए का बिल आता है, 2000 रुपए का बिल। एक बेचारा आम आदमी बिजली का बिल भरेगा कि कमाएगा कि खाएगा, क्या करेगा? दोस्तों जब मैंने दिल्ली में बिजली का बिल जीरो करा,
मोदी जी बड़े नाराज हो गए, प्रधानमंत्री जी बहुत नाराज गुस्सा हो गए मेरे से बहुत ज्यादा, बोले केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हां मोदी जी मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है अगर मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं तो? आपको फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली वालों को, हर दिल्ली वाले के हाथ में मैंने सात सात फ्री की रेवड़ी रख दी, सात फ्री की रेवड़ी हर एक दिल्ली वाले के हाथ में। पहली रेवड़ी हर दिल्ली वाले की बिजली मुफ्त कर दी मैंने, 24 घंटे बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है, पहली फ्री की रेवड़ी। दूसरी फ्री की रेवड़ी, पूरे दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिए, इतने अच्छे अच्छे स्कूल, इतने अच्छे अच्छे स्कूल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, गरीबों के बच्चे अमीरों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, अब एक ही डेस्क पे जज का बेटा, आईएएस अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ पढ़ते हैं दिल्ली के अंदर। सबके बच्चों के लिए मैंने शिक्षा मुफ्त कर दी, पूरी शिक्षा मुफ्त, शानदार स्कूल बना दिए पूरी दिल्ली में। ये दूसरी रेवड़ी। तीसरी रेवड़ी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सबका, बच्चा बूढ़ा जवान औरत आदमी ब्राह्मण बनिया, इस जात का उस जात का, इस धर्म का उस धर्म का, अमीर गरीब, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये तीसरी रेवड़ी। चौथी रेवड़ी, सबका पानी मुफ्त कर दिया, साफ पानी, और पानी का बिल नहीं आता, पानी का बिल जीरो आता है। पांचवी रेवड़ी, बसों के अंदर महिलाओं का सफर फ्री कर दिया, किसी भी बस में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी बस में महिला चढ़ जाए उसके पैसे नहीं लगते, फ्री में चलती है महिलाएं। छठी रेवड़ी, हर एक घर के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं, अयोध्या जी ले जाता हूं, द्वारकाधीश ले जाता हूं, शिरडी बाबा ले जाता हूं, पुरी जी ले जाता हूं, रामेश्वरम ले जाता हूं, पूरे देश में जहां आप कहो वहीं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। और सातवीं रेवड़ी, अपने युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं, 12 लाख बच्चों का रोजगार का इंतजाम किया भगवंत मान ने, 30,000 सरकारी नौकरियां दे दी, और अभी 3 लाख बच्चों के लिए सर नौकरियों का इंतजाम कर रहे हैं, 3 लाख। 7 फ्री की रेवड़ी देता हूं मैं, 7 फ्री की रेवड़ी। मोदी जी मेरे से बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है मोदी जी मेरे से। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको ये 7 रेवड़ियां चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार ही दोनों हाथ ऊपर करके बता दो, ये फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी इतनी महंगाई कर रखी है आपने चारों तरफ, इतनी महंगाई कर रखी है, मैंने अगर हर इंसान की चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान ला दी तो बताओ मैंने क्या पाप कर दिया? इतनी महंगाई हो रही है चारों तरफ। मैंने एक आदमी से पूछा, बोला जी आजकल घर का खर्चा नहीं चलता, तनख्वाह बढ़ी नहीं, खर्चे रोज बढ़ रहे हैं, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, हर चीज महंगी हो गई। मैंने उससे पूछा कैसे हो गई महंगाई? कहता जी अपने आप ही हो गई, भगवान ने कर दी। अरे भगवान महंगाई क्यों करेगा? भगवान की दुश्मनी है आपसे?
कैसे हो गई महंगाई इतनी, पूरे देश में इतनी महंगाई कैसे हो गई? इतनी महंगाई हो गई क्योंकि उन्होंने लूट मचा रखी है, सरकारी खजाने की लूट मचा रखी है इन्होंने। मोदी जी अपने दोस्तों में खुलेआम पैसे लुटा रहे हैं। उनके एक दोस्त ने बैंक से 34,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, बंबई का एक आदमी है, मोदी जी का दोस्त है, 34,000 करोड़ का लोन लिया। मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया, सारा लोन माफ कर दिया। एक और आदमी गुजरात का, उसने 22,000 करोड़ रुपए का लोन लिया बैंक से, 22,000 करोड़, मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया। अरे ऐसे खजाना लुटा रहे हैं, ऐसे खजाना लुटा रहे हैं, खुली लूट चल रही है। और पैसा कहां से आ रहा है? आपके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, दूध पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। अंग्रेज, हम कहते हैं अंग्रेज हमारा खून चूसते थे, इतना खून तो अंग्रेजों ने भी नहीं चूसा। अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी चाय पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी चावल पे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने की चीज पे टैक्स नहीं लगा था देश में। पहली बार मोदी ने पहली बार टैक्स लगाया खाने पीने की चीज। और कितना टैक्स? पेट्रोल ले लो, पेट्रोल क्या भाव है यहां पे मध्य प्रदेश में? 108 रुपए, 108 रुपए पेट्रोल है आपके यहां, उसमें 57 रुपए पेट्रोल और बाकी सारा टैक्स। 57 रुपए का पेट्रोल, बाकी सारा टैक्स। सोचो कितना टैक्स ले रहे हैं ये, कितना टैक्स ले रहे हैं ये। ये सारा टैक्स का पैसा, पूरे देश से टैक्स का पैसा लूट के 20,000 करोड़ इसको दे दिए, 30,000 करोड़ इसको दे दिए, 40,000 करोड़ बांट दिया, सारा पैसा लूट लिया, सारा पैसा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस आदमी के 34,000 करोड़ रुपए माफ करे, उसके फ्री में माफ करे क्या? उसके फ्री में माफ करे क्या? आज की दुनिया में कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई मां नहीं है, कोई बाप नहीं है। 34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने अगर किसी के माफ करे तो फ्री में माफ करे क्या? कुछ तो लिया होगा। कितना लिया होगा? कितना लिया होगा? भाई साहब बता रहे 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए मोदी जी ने, 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लुटा दिए मोदी जी ने। कितना पैसा बनाया होगा भाई साहब, कितना पैसा बनाया होगा? बेईमानी करे मोदी जी और जेल में भेजे मनीष सिसोदिया को। बताओ मनीष सिसोदिया का क्या कसूर है? एक बेचारा टीचर का बेटा गरीबों के बच्चों को पढ़ाने चला था, मनीष सिसोदिया ने पूरी दिल्ली में जगह जगह स्कूल बनवाए, गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, सवेरे 6 बजे उठता था और स्कूलों में चला जाता था। मनीष सिसोदिया आज जेल में और बेईमानी करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं दोस्तों। 10 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का, 10 सालों के अंदर नोटबंदी करी इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसका फायदा हुआ नोटबंदी से? कह रहे थे भ्रष्टाचार दूर होगा, भ्रष्टाचार दूर हुआ? कह रहे थे आतंकवाद दूर होगा, आतंकवाद दूर हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ।
भाई साहब, अगर आज पढ़ी लिखी सरकार होती, किसी हालत में नोटबंदी ना करती, बिल्कुल नोटबंदी ना करती। मैंने एक इंटरव्यू देखा था प्रधानमंत्री जी का, उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी आप कितने पढ़े हो? बोले मैं बस गांव के स्कूल में गया हूं, मैं कॉलेज नहीं गया। मैंने उनका एक भाषण सुना था प्रधानमंत्री जी का, उस भाषण में कह रहे थे मैं बस गांव के स्कूल में गया हूं, मैं कहीं कॉलेज वॉलेज की पढ़ाई नहीं करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आधुनिक 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी का नाम है चौथी पास राजा। यह कहानी यह दिखाती है कि अगर किसी देश का राजा अनपढ़ हो, अगर किसी देश का राजा भ्रष्ट हो, अगर किसी देश का राजा अहंकारी हो, तो एक महान देश भी कैसे डूब जाता है। यह कहानी यह दिखाती है। एक बहुत महान देश था, बहुत महान देश था। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो गांव में जैसे बच्चे का जन्म होता है, गांव का हर गांव का एक ज्योतिषी होता है, एक पंडित होता है। वह ज्योतिषी आया, उसने बच्चे की कुंडली बनाई। बच्चे की कुंडली बना के ज्योतिषी बोला, माई तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। मां बोली, मैं तो एक बहुत गरीब औरत हूं, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा? ज्योतिषी बोला, नहीं माई, इसके बच्चे की कुंडली में लिखा है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसे गांव के स्कूल में भर्ती करा दिया। बच्चे का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। किसी तरह से मुश्किल से उसने चौथी पास करी। मां ने स्कूल से नाम कटा दिया, बोला थोड़ी कमाई करके लाएगा, घर का खर्चा चलेगा। घर के पास एक रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन पे बच्चा जाके चाय बेचने लगा। बच्चा भाषण बड़े अच्छे देता था, बचपन से ही भाषण बड़े अच्छे देता था। एक बार भाषण देना शुरू करता और जो बंदी नहीं होता, गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और भाषण देना चालू करता। धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा हुआ। ज्योतिषी ने कहा था, कुंडली में लिखा था, बच्चा उस महान देश का राजा बन गया बड़ा होके। अब बच्चा राजा तो बन गया, उस चौथी पास राजा को कुछ भी ना आए, पढ़ना लिखना आता नहीं था, समझ थी नहीं। अफसर आते थे, जो मर्जी फाइल पे साइन करा के ले जाते थे अफसर, जो मर्जी फाइल पे। अफसर उसको अंग्रेजी में बोलते, उसको समझ नहीं आता, जो मर्जी फाइल पे राजा साइन कर देता, अफसरों की ऐश हो गई। धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया कि राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा चिंता होने लगी कि लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। राजा ने जुगाड़ करके कहीं से एक फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया, एमए की डिग्री। राजा बोला, मैं एमए हूं। अब जनता हंसने लगी, जनता को तो पता था असलियत क्या है, जनता को तो पता था राजा की डिग्री फर्जी है। दोस्तों, धीरे धीरे लोग उसके पास आते और उसे बेवकूफ बना के जो मर्जी करके चले जाते। एक दिन कुछ लोग आए, बोले महाराज नोटबंदी कर दो, आप जैसा इतना बड़ा राजा ही नोटबंदी कर सकता है। नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा,
आतंकवाद दूर हो जाएगा। राजा को समझ तो थी नहीं, लोगों ने चढ़ा दिया, राजा भी चढ़ गया। राजा ने नोटबंदी कर दी और भाई साहब पूरे देश के अंदर लोग लाइनों में खड़े हो गए, बैंकों के आगे लंबी लंबी लाइनें लग गई, इतने लोग मारे गए और वो महान देश 20 साल पीछे चला गया, 20 साल पीछे चला गया, महान देश 20 साल पीछे। एक दिन उस राज्य के अंदर, उस देश के अंदर बहुत बड़ी महामारी आई, उस महामारी में कई लोग मारे गए। एक आदमी ने आके राजा को कहा, महाराज पूरे देश के लोगों को बोलो कि ताली और चम्मच बजाएंगे, ताली और चम्मच से। अब राजा को समझ तो थी नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं, अनपढ़ था, पूरे देश से उसने ताली और चम्मच बजवा दिए। लोग मरते रहे, लोग बहुत ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते रहे दोस्तों। धीरे धीरे उस राजा के दोस्तों ने लूटमार मचा दी, राजा ने किसी को 10,000 करोड़ दे दिए, किसी को 20,000 करोड़ दे दिए, पूरे देश में महंगाई महंगाई फैल गई, बेरोजगारी फैल गई, बलात्कार होने लगे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऊपर सारे देवता देख रहे थे, आसमान में सारे देवता इकट्ठे हुए और सारे देवता मिलके शिवजी महाराज के पास गए, बोले महाराज कुछ करो, पृथ्वी पे घोर अन्याय हो रहा है, घोर पाप हो रहा है, कुछ करो। महाराज ने आंखें बंद करके ध्यान किया और शिवजी महाराज ने उस महान देश के हर आदमी के अंदर आके ऐसी भावना डाली कि अगली बार जब चुनाव हुआ अपने आप लोगों का बटन उसके बटन पे नहीं गया, दूसरा बटन दब गया लोगों का और वो राजा हार गया उस चुनाव के अंदर। और मैंने सुना है कि आजकल वो राजा दोबारा उसी स्टेशन पे जाके चाय बेच रहा है। दोस्तों वक्त बड़ा बलवान है, वक्त बड़ा बलवान है, वक्त से डरना चाहिए। और अंत में मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, जैसे दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंका, जैसे पंजाब के लोगों ने बीजेपी कांग्रेस अकाली दल को उखाड़ के फेंका, एक मौका आप लोग आम आदमी पार्टी को देके देखो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस मामा को भी भूल जाओगे और मामा के सारे इन चेले चपाटों को भी भूल जाओगे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जाना नहीं है क्योंकि राष्ट्रगान होगा, जहां जहां आपकी सीटें हैं वहां पर खड़े हो जाइए।